तो आज के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, और क्या प्रिपेयर किया है कि एक मोमबत्ती हम जलाएंगे, और मोमबत्ती जलाने के बाद फिर उसे बुझाएंगे, जैसे बर्थडे में करते हैं ना, मोमबत्ती जला के फिर बुझा देते हैं, तो हम भी मोमबत्ती जला के बुझाएंगे और उसके बाद उसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो पहले हम करके दिखा लेते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे। इसको ऑन करें और इसको 0-0 आने दें, और ये रखें 5.40, हाँ 5.40 ग्राम। अब इसको जला के इस पर ढक्कन करना है ना, तो इसको हमने ये जलाया और इसको तैयार रखा ढकने के लिए। बुझ गई, ऑक्सीजन गर्म हो गया खर्च। अच्छा, अब कितना मोम जला पहले हमें इसकी चिंता करनी है। तो हमने इसके ऊपर इसको फिर से रखा, फाइव पॉइंट थ्री नाइन कितना मोम जला, 0.01 ग्राम मोम जला है। ये ढक्कन के साथ तोला था, उसके कारण कोई गलती हुई क्या? केवल कैंडल को नहीं तोला था ना हमने, ढक्कन के साथ तोला था, कोई गलती हुई क्या? नहीं ना, 0.01 ग्राम ही मोम जला ना, क्योंकि ये तो दोनों बार तोला गया, पहली बार भी दूसरी बार भी, तो घटाने में तो कट गया है? तो 0.01 ग्राम मोम जला। ठीक है, अच्छी बात है, इसका काम हो गया मेरा। अब दो काम हमें करने हैं, पहला कि 0.01 ग्राम मोम जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगा होगा, एक वो कैलकुलेशंस करना है, राइट। और दूसरा कैलकुलेशन करना है कि इसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन था, या कितना ऑक्सीजन था, तब हम देखेंगे कि इसका पूरा ऑक्सीजन खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो पहले इसका वाला काम करते हैं, इसका कैसे करेंगे बोलो, इसमें कितना ग्राम ऑक्सीजन है कैसे पता करेंगे? किसका? अगर इसका कितना इसका द्रव्यमान है ये पता चल जाए तो ग्लास ग्लास का का वो तो पता चल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उससे कैसे पता करोगे कि इसमें ऑक्सीजन कितना है? ये देखो, अब 0 हो गया, इसको रख दिया। ग्लास का द्रव्यमान है 86.80 ग्राम, ग्लास है और खुला है, हवा यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है, तो आप सोच लो कि ये किसका द्रव्यमान है। ये एक्चुअली गिलास का ही द्रव्यमान है, उतना वॉल्यूम से कुछ करें हैं, इसका वॉल्यूम कुछ ले लेते हैं, राइट। अगर इसका पूरे का वॉल्यूम मुझे पता हो जाए तो हम पूरी हवा का कितना वेट है वो पता कर सकते हैं क्या? इसमें कितनी हवा का कितना वेट है वो पता कर सकते हैं क्या? अगर वो पता हो जाए तो उसका 21% या 20% ऑक्सीजन होता है, तो हम उसको निकाल देंगे। तो इसमें हवा कितने ग्राम है ये पता करना है। तोल तो सकोगे नहीं भैया, इतनी हवा को तोल तो सकोगे नहीं, ना इसमें से हम हवा निकाल सकते हैं। हवा निकाल करके केवल गिलास तोले, फिर हवा भर के केवल गिलास तोले, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो उसके लिए भी कुछ हमें केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। तो आपको याद है, एक हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा फेमस इक्वेशन है, PV = nRT, राइट। तो n क्या है उसमें, छोटा n नंबर ऑफ मोल्स है, p क्या है, प्रेशर प्रेशर ना। तो यहाँ जो हवा है इसका प्रेशर पता है अपने को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितना हुआ है उतना है। इसका वॉल्यूम हम नाप जोक सकते हैं, तो p हो गया, v हो गया, कैपिटल R कितना होता है वो पता ही है, स्टैंडर्ड है। हाँ 0.82 हाँ उसको या यूनिट यूनिट SI यूनिट में चाहिए हमें, SI यूनिट में चाहिए, और टेम्परेचर भी पता ही है। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वहाँ से निकाल लेंगे ना। हाँ, अभी करते हैं कैलकुलेशन, रुको पहले देख लें कि कैसे कैसे होने वाला है। तो हमें P पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम हम नाप जोख के निकाल लेंगे, कैपिटल R हमें पता है, कैपिटल T टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होगा यहाँ बोलो अब इस समय। हाँ चलो,
तो वो पता है, सब पता है, क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे. और नाइट्रोजन है बेसिकली 80% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, लगभग यही है ना. तो उससे हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे कि उतने मोल का कितना ग्राम हो गया, तो पता चल जाएगा ना कितने ग्राम हवा है और उसमें से कितने ग्राम ऑक्सीजन है, वो तो 20% उसका हो जाएगा. तो ये अपनी अपना होगा, ठीक है. हाँ. तो हम सबसे पहले इसको नापते हैं, इसका आयतन निकालना है. क्या करें, क्या करें, इसकी हाइट पे लेंगे, इसकी हाइट नापो. आओ नापो, एकदम सिलेंड्रिकल, बढ़िया ग्लास है ये, है ना, इसलिए सूत्र आसान है. फोर सेंटीमीटर टेन हाँ, 4 सेंटीमीटर. नहीं नहीं, 4 तो इंच है, इधर वाला इंच है, इधर वाला सेंटीमीटर. देखो 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 देखो, 10 सेंटीमीटर कम है, थोड़ा सा कम है. हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस करेंगे. कितना है, कितना कम है, पढ़ो. 4 से कम है तो 3.9 कुछ होगा, 3.7 है, 9.7 है. हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, 9.7. हाइट लिखो, हाइट 9.7 सेंटीमीटर्स. और क्या चाहिए आयतन निकालने के लिए? रेडियस. लो, कैसे निकालोगे इसका डायमीटर? डायमीटर ना, कौन डायमीटर? हाँ ठीक, एकदम किनारे से. हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, यहाँ यहाँ वो इंच है, थोड़ा कम है 5.9. तुम देखो ये कॉर्ड ले रहे हो, ये कॉर्ड ले रहे हो तुम, डायमीटर नहीं ले रहे हो. ये क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, जीवा ले रहे हो. व्यास लो. हाँ 20 है. हाँ अब देखो, अब बोलो कितना है. 6.4 सेंटीमीटर. लिखो डायमीटर बराबर 6.4 सेंटीमीटर. अब इसका वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो. 3.1 लव मैं कर दूंगा. बोलो क्या क्या चाहिए तुम्हें, 3.14 चाहिए? 10.24 × 10⁻¹⁰ × 9.7. अच्छा, हाइट हो गया 9.7. हाँ, और रेडियस का स्क्वायर हो गया 10.24. रेडियस का स्क्वायर हो गया 10.24. हाँ, तो ये बना 311.88 वगैरह है, तो 312 क्या यूनिट बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं क्यूब, नहीं क्यूब, सेंटीमीटर 312 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसका वॉल्यूम हो गया. हाँ वॉल्यूम हो गया. हाँ ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया. अच्छा, अब हम चलते हैं बोर्ड पे. ओके, कैपिटल आर कितना है जरा एसआई यूनिट में बताओ. 8.4 है. गैस कांस्टेंट हाँ 8.314 लिखो, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. चलो तो हम क्या निकाल रहे हैं, उसका नंबर ऑफ मोल्स एयर का निकाल रहे हैं. तो हमारा सूत्र है पी वी बराबर, बोलो पी की जगह क्या लिखूं, कितना होता है सारा काम एसआई में करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ याद है, 10⁵ N/m² प्रेशर है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये है प्रेशर. और वॉल्यूम कितना निकाला हमने, 312 सेंटीमीटर. तो एसआई यूनिट में ले जाओ, 10⁻¹ कितने से करें, मीटर क्यूब में लाना है. हंड्रेड सेंटीमीटर का एक मीटर होता है ना, तो इसलिए ये इतना हो गया, पी हो गया, वी हो गया, कैपिटल आर
8.3 जूल पर केल्विन पर मोल ऐसे कुछ होता है ना। और टी कितना लोगे, कितना टेम्परेचर है अभी कमरे में? 273 ऐड करोगे कितना बनेगा? 298 बनेगा ना। 300 कर दूं? 300 केल्विन। अब ये एन निकालना है अपने को, एन बराबर पी इंटू वी बटा आर इंटू टी, 10 पे पावर 5, 312 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 300 हो गया 312 बाई 8.3 इंटू 3, तो ये हो गया। अब 10 के पावर जरा देख लो, माइनस 1 यहाँ से आएगा और माइनस 2 वहाँ से, इंटू 10 पे पावर माइनस 3, बताओ कितना हुआ? 12.5 तो 12.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 ऐसा ना, इतने मोल हो गया ये। अब एक मोल हवा कितने ग्राम की होगी? एक मोल ऑक्सीजन होता अकेला तो कितने ग्राम होता? 1 मोल ऑक्सीजन कितने ग्राम बनेगा? ऑक्सीजन गैस 6.6 टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 1 मोल O2 बराबर कितने ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स, ये प्रश्न है। ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट कितना है? ऑक्सीजन का तो 60 मॉलिकुलर वेट की एटॉमिक वेट क्या फर्क है? एटॉमिक वेट में मॉलिकुलर वेट में क्या फर्क है? तो हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन हवा में इस कमरे में है वो सिंगल सिंगल एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं? कितने कितने एटम हैं? दो दो एटम्स है ना एक एक मॉलिक्यूल के अंदर में। तो ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है वो उसका 16 एटॉमिक वेट जो है वो 16 उसका एटॉमिक वेट है वो, राइट। तो एक मॉलिक्यूल का अगर करेंगे हम तो वो 32 बन जाएगा, है ना। तो ये जो 32 ग्राम्स है ये एक्चुअली एक मॉलिक्यूल का ही वेट है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम्स, राइट। और वन मोल ऑफ नाइट्रोजन होता तो कितने ग्राम? 28 ग्राम्स। और ये हमारा 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है, तो एक मोल अगर हवा होगी तो हम निकाल सकते हैं ना कि कितना आने वाला है, इसी के बीच में आने वाला है, इसी के बीच में आने वाला है और इसके नज़दीक आने वाला है, क्योंकि ये 80% है या 20% है, तो 29, 30 से कम ही होगा, 29 पॉइंट समथिंग होगा, राइट, 29 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1 मोल एयर पक्का भी कर सकते हो, 1 मोल एयर का मतलब हो गया, 1 मोल एयर का मतलब हो गया, अगर मोल के हिसाब से देखें उसी में अगर 80% कर दें तो 4/5 इंटू 28 प्लस 1/5 इंटू 32, क्योंकि एक मोल में 5 में से 1 भाग इसका, 4 भाग इसका होता है ना, तो 1/5 मोल ऑक्सीजन और 4/5 मोल नाइट्रोजन ले सकते हो, और 1/5 मोल ऑक्सीजन का इतना ग्राम हो जाएगा, 4/5 मोल नाइट्रोजन का इतना ग्राम हो जाएगा, मिला करके पक्का निकाल सकते हो कि इतना ग्राम हुआ, लेकिन वो आने वाला है कहीं 29 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है। तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट लेते हैं अभी, उसको 30 ग्राम ले लेते हैं, और
इस ग्राम के हिसाब से फिर से हम 80% और 20% करते हैं, क्योंकि हमने पूरा अप्रॉक्सीमेशन ही कर रखा है। तो इसमें जो ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन जो बनेगा, ये क्या हो रहा है, 1 मोल चल रहा है, 1 मोल, तो 30 ग्राम और उसका उसका पांचवा हिस्सा ना, 6 ग्राम 1 मोल में। और मेरे को कितने मोल निकले हैं, मुझे कितने मोल है, हवा कितने मोल है मेरी, इतने मोल है। तो एक मोल हवा में टोटल इतने ग्राम हैं और उसमें से इतना ग्राम ऑक्सीजन है, एक मोल हवा में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो इतने मोल हवा में कितने ग्राम ऑक्सीजन हुए, 3 मोल। लॉजिक ठीक है, ये हमने अलग से पूरा कैलकुलेशन किया मेरे मॉलिकुलर वेट के हिसाब से, और हमने पता किया कि भाई एक मोल अगर हवा लेते हो आप, 1 मोल हवा लेते हो, तो उसका जो वेट निकलता है वो 30 ग्राम्स निकलता है, उस 30 ग्राम्स में से 6 ग्राम्स जो है वो ऑक्सीजन होगा, 1/5 जो है वो ऑक्सीजन होगा, तो एक मोल हवा में 6 ग्राम ऑक्सीजन है। और यहाँ मैं पहले से कैलकुलेशन करके बैठा हूँ कि मेरा जो ग्लास था, सिलेंड्रिकल ग्लास जो था, ये वाला जो गिलास है, इसमें जितनी हवा है वो कितनी हवा है, वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि इतने मोल हवा है, तो इतने मोल हवा में कितना ऑक्सीजन पता हो जाएगा। हाँ, करो करो, ऑक्सीजन इन द ग्लास, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम है, टम्बलर बोलते हैं, पता है आपको? ये जो गिलास है ना, एक तो ग्लास है शीशा, और दूसरा गिलास है, एक गिलास पानी पिया, दो गिलास पानी पिया, वो तो वो जो गिलास है ना उसको तो बोलते हैं टम्बलर, और ये गिलास हो गया शीशा, तो शीशे का गिलास हो गया ये ग्लास टम्बलर। तो इसमें कितना ऑक्सीजन है, ये हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 12.5 × 10⁻³ और इंटू, देखो कितना बना, 75 × 10⁻³ ग्राम बना, 0.075 ग्राम। तो मेरे गिलास के अंदर में शुरुआत में 0.075 ग्राम ऑक्सीजन थी, ठीक है, पता चल गया। अब कैलकुलेशन कर सकते ना, अगर मेरे पास एक बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी में जितनी हवा भरी हुई है उसमें कितना ऑक्सीजन है, निकाल सकते हो ना, ये रूम में, जिस रूम में हम लोग हैं उस रूम के अंदर में कितनी कितने ग्राम ऑक्सीजन है, निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे, इसका पूरा आयतन निकालोगे, आयतन निकाल करके फिर वो कितने मोल हवा हो गई वो निकाल लोगे, और वहाँ से ऑक्सीजन कितने ग्राम है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया कि हमारे शुरुआत में मेरे गिलास में इतने ग्राम ऑक्सीजन थी, अब दूसरा पार्ट कि कितना मोम खर्च हुआ और उस मोम ने कितना ऑक्सीजन कितना उसने लिया, राइट। तो पहले इस बोर्ड को साफ कर दूँ, यही मेरा अंतिम रिजल्ट, यही हमारा इस्तेमाल होने वाला है, याद रखना इसको, ये पूछूंगा मैं। ओके, अब चलो मोम क्या चीज़ होती है, अब उसकी केमिस्ट्री जाननी है अपने को। तो मोम साधारणतः जो मोमबत्तियाँ वगैरह बनती हैं, अलग अलग किस्म के मोम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं उसको पैराफिन वैक्स कहते हैं। और वो पेट्रोलियम से बनता है, जो क्रूड ऑयल, जिससे वो डीजल वीजल, वो पेट्रोल वगैरह निकालते हैं, किरासन तेल, उसी उसी में से ये मोम भी निकलता है। और ये जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पता है आपको क्या क्या होता है उसमें, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और अल्केन है, अल्केन पता है आपको क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, हाँ। तो अगर C हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, और ये N हो, N एटम्स हो कार्बन के, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, करके देख लो, करके देख लो, पहला अल्केन तो यही है ना,
पहला एल्केन तो यही है सी एच फोर, तो यहाँ अगर वन है और यहाँ फोर है तो क्या बना, ये अगर एन है तो ये क्या बना, ये अगर एन है तो ये टू एन प्लस टू बना, और अगर दो हो जाए तो ये क्या बना सी टू। देखो तो ये है क्या, एन बराबर टू अगर रख दें हम तो ये टू एन प्लस टू सिक्स हो जाता है, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो ये जो पैराफिन वैक्स है इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन्स मिक्सअप भी होते हैं, लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एन बराबर 31 वाला, सी 31 और एच कितना, H 60। तो हम ये लेकर के चलेंगे, थोड़ा बहुत और कुछ कुछ चीज़ें होंगी दूसरे दूसरे वाले होंगे, लेकिन मुख्य रूप से मोम के अंदर में ये चीज़ होती है C31H64। अब इसका रिएक्शन बताओ, जलना है इसको, इस मोम को जलना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस मोम को जलना है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करना है और रिएक्शन करना है। C31H64 प्लस O2 क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ, जल मिलेगा ना, लाइट तो उसको हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, वो तो ऊर्जा अपना जितना इधर ज़्यादा है उधर कम है, बची हुई ऊर्जा हीट में कन्वर्ट होगी वगैरह वगैरह, ये बनेगा H2O। बैलेंस 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 बैलेंस, इतनी बड़ी इतना बड़ा रजिस्टर सामने है तभी इतने छोटे से हथेली के ऊपर कैलकुलेशंस कर रही है रागिनी। हाँ बोलो, 47 O2, ओके 47 O2, 31 CO2, 32H2O, ठीक है भाई चेक कर लो, तुम्हारा जो कार्बन है 31 हो गया, तो हाइड्रोजन 64 है 64 हो गया, ऑक्सीजन इधर हमें 32 और यहाँ से भी 32, यहाँ से कितना 62 इधर से 32 उधर से, ये हो गया पूरा 47 × 96 और यहाँ से कितना है 62 यहाँ से और 32 वहाँ से, तो 94 और 47 × 2 करोगे तो भी 94, ठीक है गुड। अब एक एक मोल के हिसाब से चलो, इसका एक मोल ले लिया हमने, ये वन है ना यहाँ पे, वन मोल कितने ग्राम, ये कितने ग्राम निकालो, हाँ 31 × 31 × हाँ कार्बन के लिए कितना एटॉमिक वेट, 12 ना, हाँ तो 31 × 12 प्लस 64 × 1 इतना ग्राम हो गया एक मोल का, कितना बना 436 ग्राम हुआ है ना, और ये कितने ग्राम है ये वाला 47 O2, 47 × 32, हाँ बताओ तो क्या देखते हैं 436 ग्राम जो मोम है वो कितना ऑक्सीजन खाता है,
ठीक है क्या? एक मोल अगर इस मोम का लेंगे तो वो 47 मोल इसका ऑक्सीजन का अपने साथ में रिएक्ट करवा लेगा, कंज्यूम कर लाएगा, खर्च कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो बना था हमारा 436 ग्राम, ये 436 ग्राम जो मैक्स है, ये इतने यानी 1504 ग्राम इतने ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा। और कितने ग्राम हमने अपना मोम खर्च किया है, कितना मोम खर्च किया जब मैंने मोमबत्ती जलाई था ना, वेट किया था ना हमने जलाने के पहले और जलाने के बाद, तो जो घटा सो मोम ही तो गया। तो 0.01 ग्राम मैक्स कितने को कंज्यूम करेगा, बोलो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा? जीरो पॉइंट जीरो थ्री फोर सही आ रहा है। ठीक है, देखो अजय अर्पित दोनों का मिल गया इसलिए ठीक ही होगा। ये आया 0.034 ग्राम, इतना ऑक्सीजन इसने खाया है। और था कितना गिलास में, था कितना? 0.075 था। टम्बलर, टम्बलर मतलब हैड 0.075 ग्राम ऑक्सीजन, शुरू में इतना था और इतना ये इसको इतना ही खर्च हुआ, इसमें से इतना ही खर्च हुआ, तो कितना बच गया घटा दो, रिमेनिंग ऑक्सीजन कितना बच गया इसमें से, इसको जरा घटा दो तो 0.075, हाँ आसानी से घटेगा, 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, हाँ 0.041 ग्राम, जितना खाया उससे ज़्यादा बचाया, आधे से थोड़ा कम खर्च हुआ है और आधे से थोड़ा ज़्यादा अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई, तो मोमबत्ती बुझ गई क्योंकि उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो सकता, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हो सकता, क्यों? उससे बहुत पहले ही, ऑक्सीजन ख़त्म होने से बहुत पहले ही मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? देखो क्या है कि यहाँ पे जब आप इसको जलाओगे तो यहाँ पे गर्म होगी ना, यहाँ की हवा गर्म होगी, जो कुछ भी है, हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो कुछ गर्म, और यहाँ की जो हवा होगी वो होगी ठंडी, और ठंडी हवा जो होती है वो गर्म हवा की अपेक्षा भारी होती है। तो यहाँ की हवा तो यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, जो गर्म यहाँ हो रही है हवा, उसकी फ्लेम के कारण जो हवा गर्म हो रही है, वहाँ इसी के आसपास वाली जो फ्लेम के पास वाली जो हवा, विक के पास वाली जो हवा है, उसी का ऑक्सीजन यूज हो रहा है, वहीं पे जल रहा है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वहीं पे जलवाष्प बन रहा है, पानी बन रहा है,
और वो सब कुछ गर्म है, वो सब कुछ गर्म है क्योंकि सब फ्लेम के पास है और गर्म होने के कारण से उसकी डेंसिटी कम है, तो वो सब कुछ ऊपर ऊपर टंगा रहेगा। कम डेंसिटी वाले ऊपर रहते हैं ना, ज़्यादा डेंसिटी वाले नीचे सिंक करते हैं, नीचे डूबते हैं, तो नीचे की हवा ऊपर आने का चांस कम है। तो ये हवा अपनी जगह पर वैसी की वैसी बैठी हुई है, ये तुम्हें काम नहीं आ रही है, हाँ? और इतनी ही हवा जो है इस फ्लेम के आसपास वाली जो हवा है उसी से सारा रिएक्शन हो रहा है। थोड़ा बहुत चूंकि मॉलिकुलर मोशंस होते हैं, सभी मॉलिकल्स एयर के जो हैं वो रैंडमली यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते हैं, तो ऊपर से थोड़ा नीचे पहुँचेंगे, नीचे वाले भी थोड़ा ऊपर पहुँचेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ज़्यादातर डेंसिटी डिफरेंस के कारण से नीचे की हवा ठंडी होने के कारण से नीचे ही बनी रह जाएगी, वो फ्लेम तक आएगी नहीं, उसका ऑक्सीजन फ्लेम तक आएगा ही नहीं। ठीक है, अब अगले दिन तुम लोग अपने से एक्सपेरिमेंट करोगे और इतनी लंबी नहीं लेकर के छोटी सी मोमबत्ती लेना, ओके? और तब देखना, यही कैलकुलेशन करना, यही तौलना फिर से और देखना कितना मोम कंज्यूम हुआ है बुझने के पहले, और फिर से वही यही सारा कैलकुलेशन करना और तब देखना कि कितनी हवा में से कितनी ऑक्सीजन पहले थी, उसमें से कितना कंज्यूम हुई और कितना बची। तब शायद आप पाओगे कि नहीं, इस बार ज़्यादा कंज्यूम हुई है, जितनी है उसमें से काफ़ी सारी 80% कंज्यूम हो गई या 70% कंज्यूम हो गई, अभी तो 50 भी कंज्यूम नहीं हुई है, 45% के करीब 40% के करीब कंज्यूम हुई है ना, इतनी कंज्यूम हुई है टोटल, इतने में से इतनी कंज्यूम हुई है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो बड़ा क्रूशियल है, ये कहना कि हाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गया इसलिए मोमबत्ती बुझ गई है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, उसका हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सीखा आज, क्या क्या सीखा रागिनी, आज क्या क्या सीखा बोलो? हाँ, उसको सीखने के क्रम में और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जो हमने रिवाइज कर ली या जो हमें ठीक से याद नहीं थी अब याद हो गई? एक तो हमने PV बराबर NRT को यूज़ किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें याद नहीं था, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, वो हमने याद किया कि अच्छा 10^5 सीखा ना, हा? वॉल्यूम निकालना, हमने वॉल्यूम निकाला, इधर नापा उधर नापा वॉल्यूम निकाला। कैपिटल आर जरूर जानना चाहिए, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, वो हमने किया। रूम टेम्परेचर हमने केल्विन में कन्वर्ट करके सही सही उसके अंदर फिट किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले और फिर नंबर ऑफ मोल्स से ग्राम में कन्वर्ट किया हमने, तो वहाँ पर वो मॉलिकुलर वेट का मामला आया, तो ऑक्सीजन का कब 32 लेना है, कब 16 लेना है, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो एटॉमिक नंबर है कि एटॉमिक वेट है कि मॉलिकुलर वेट है, कब किसका इस्तेमाल करना है, नाइट्रोजन है। फिर हमने एक काइंड ऑफ एवरेजिंग किया हमने कि भाई हवा का अपना तो कोई फार्मूला है नहीं, वो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है प्लस ज़रा बहुत और बाकी चीज़ें हैं, तो उससे हमने कैलकुलेशन किए कि हाँ टोटल मेरा ऑक्सीजन कितने ग्राम है, राइट? फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या सीखा, वैक्स का फॉर्मूला सीखा। जो मोम होता है, हालांकि अलग अलग किस्म के मोम होते हैं लेकिन एक ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है मोम मोमबत्ती वगैरह में, उसका हमने फॉर्मूला सीखा। क्या था फॉर्मूला? हमने ये जाना कि ये एल्केन होते हैं, हमने ये जाना कि ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, मोम जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मोम जो होते हैं वो एल्केन होते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर कौन सा वाला एल्केन होता है, C31, राइट? वो हमने जाना। फिर उसके आधार पे हमने रिएक्शन लिखा, प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O, उसकी बैलेंसिंग की हमने, तो इक्वेशन बैलेंस करने का हमने अभ्यास किया कि कहाँ 47 O2 क्यों आ गया और क्या आ गया, वो हमने किया। और फिर उस इक्वेशन को लिखने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस इक्वेशन को लिखने के बाद हमने ये पता किया कितने ग्राम मैक्स कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक मोल वैक्स जो है वो 47 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, वो बैलेंस करके लाए थे ना हम, C31H64 प्लस 47O2, तो एक मोल वैक्स 47 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये चीज़ें हमने उस इक्वेशन से सीखी, इक्वेशन बैलेंसिंग से ये निकल करके आया।
फिर हमने उसको सबको ग्राम में कन्वर्ट किया, एक मोल जो है इसका वैक्स का वो कितने ग्राम बना, 47 मोल ऑक्सीजन का वो कितने ग्राम बना। तो हमने क्या सीखा, कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, उसको लाने का तरीका है ये सब। आप इक्वेशन लिखो, उनके मॉलिकुलर वेट्स लिखो, फिर देखो किसके पीछे कितना कितनी संख्या लगी है, कहाँ 47 है कहाँ 1 है। तो उससे हमने वो चीज़ें सीखी, कितने ग्राम से कितने ग्राम। फिर हमने जो यहाँ मोम अपना तौल करके बताया था कि मेरा इतना मोम कम हो गया भाई, उतना मोम कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो हमने निकाला। तब हमने पता किया कि अच्छा कुछ बचा हुआ है गिलास के अंदर में, ठीक है ना। ओके चलो।